पर ये 5 दिन का सत्संग महोत्सव स्वयं दयालु माता जी साहब ने जारी किया और लगभग जीवन रहा तब तक बराबर आते रहे। और ये जगह भी बहुत ही दिव्य, बेहद पवित्र, पावन, गरिमामय है, क्योंकि ये पूर्ण पुरुष, पूर्ण संतों का प्रकट स्थल है। और यहाँ पर सत्संग, सत्संग का अर्थ क्या है, आज जो अभी वाणी पढ़ी गई सतगुरु राधा स्वामी साहब जी की, कितनी महिमा आपने की है सत्संग की, और हमें हिदायत दी है, हमें उपदेश दिया है कि भाई ठीक तरह से बना करके, यानी ठीक तरह से सत्संग करो। संतमत के पूरी करने का आधार सत्संग है। जैसे हम मकान खड़ा करते हैं तो आधार ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बगैर तो कोई चीज़ टिकती नहीं। उसी तरह से पूरे परमार्थ की, संतमत के परमार्थ का आधार अवलंब ये सत्संग है। लोग सोचते हैं कि ऐसा क्या है इस सत्संग में, संत हमें समझाते हैं, सत्संग का अर्थ है सत्य का संग। संग यानी साथ, सत्य यानी सत्य, सत्य का साथ, सत्य का साथ सत्संग है। और बाकी जो हम दुनिया में करते हैं वो झूठ का साथ है। दुनिया झूठी है, माया झूठी है, नश्वर है, आज है कल नहीं रहेगी, परिवर्तनशील है, अंत में दुखदाई है, इसलिए वो माया कल्पित है, झूठी है। जो आज है कल नहीं रहेगी, माया झूठी, माया की रचना झूठी, माया के पदार्थ झूठे, माया के लोग झूठे। तो जब झूठों का साथ करेंगे तो वो तो संग, सत्संग नहीं हुआ। सत्संग वो जो सत्य, सत्य यानी अविनाशी, सत्य यानी जो आज है वैसा सदा रहेगा। ऐसे तो जगत में तो ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो आज है वो सदा रहेगी। हाँ, इस जगत की जितनी स्थूल चीज़ें हमें दिखाई देती है वो आज हैं तो कल नहीं रहेगी। इसलिए वो तमाम चीज़ें जो हमें दिखाई सुनाई देती है, हम अनुभव करते हैं, जहाँ तक हमारे मन और इंद्रियों की दौड़ या पहुँच है, वो सब झूठ है, वो सब माया है। गो गोचर जन लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। गो यानी इंद्रियां और गोचर यानी इंद्रियों की पहुंच, इंद्रियों की दौड़, इंद्रियों की जहां तक सीमा है, तो ये सब माया है यानी झूठ है। सत्य केवल इस झूठ के जगत में, ये जगत ही झूठा है, क्योंकि आज है कल तो नहीं रहेगा, किसी दिन ये पृथ्वी का नाश होता है, ये मंडल पूरा का पूरा प्रलय में जाता है, ऐसा सभी शास्त्र कहते हैं, महापुरुषों ने कहा, आचार्यों ने कहा, शास्त्रों ने गवाही दी, संतों ने फरमाया कि ये पृथ्वी कई बार बनती है, कई बार बिगड़ती है। इस पृथ्वी के ऊपर की रचना, बहुत ऊंचे तक की रचना भी नष्ट होती है, इसलिए ये सब माया है। तो इस माया यानी झूठ के जगत में सत्य केवल दो वस्तुएं सत्य है। एक तो स्वयं संत, जो सत्य के ही अवतार हैं, वो तो अविनाशी मालिक, अविनाशी धाम का स्वामी, हमारे जीव का सच्चा माता पिता, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, सदा एक रस रहने वाले हैं, अनंत हैं, अपार हैं, किसी भी तरीके से उनकी महिमा तो नहीं की जा सकती, लेकिन उनका स्वरूप कैसा है ये भी पूरी तरह से इस भूमिका पर नहीं समझा जा सकता। लेकिन हमें इस अभी केवल इतना तात्पर्य ग्रहण करना है कि वो मालिक सत्य है, जैसा आज है वैसा ही सदा रहेगा। उसका साथ कैसे करें, तो उसका, वो तो निराकार है, निर्गुण है, अरूप है, उनका कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं, कोई रंग नहीं, और है तो वो उस धाम में है, इसलिए उनका साथ हम कैसे करें। हम यहाँ मृत्यु देश में हैं, मालिक अपने निज धाम में है, साथ कैसे करें। तो वह मालिक हम पर दया करने के लिए जब जगत में हमारा जैसा पंच भौतिक शरीर धारण करके आते हैं, तो वे सतगुरु कहलाते हैं, वे संत कहलाते हैं, इसलिए उनका साथ सत्संग।
सत्पुरुषों का साथ सत्संग। दूसरी सत्य वस्तु क्या हो सकती है? मैंने निवेदन किया दो वस्तु में सत्य है, एक तो संत स्वयं सत्य के स्वरूप हैं और दूसरा मालिक जो है उसका परिचय या तो उसके रूप से होगा या उसके नाम से होगा या दोनों से होगा। किसी का भी परिचय उसके रूप और नाम से ही होता है, तो मालिक का सरगुण रूप तो हुआ संतों का रूप, और मालिक का नाम यानी सत नाम, सतगुरु नाम जो है वो मालिक का नाम है। सतगुरु नाम जैसा मैंने जबान से लिया वैसा नहीं है, वो लिखने पढ़ने बोलने में तो नहीं आता, लेकिन घट में ये सुरत जीवात्मा जो उसकी अंश है वो सच्चे संतों की शरण में जाकर उनसे भेद लेकर के और उस करने की कमाई करके उस नाम को पा सकती है, अनुभव कर सकती है, उसमें तद्रूप हो सकती है, वो नाम सत्य है। मालिक सत्य है तो मालिक का नाम भी सत्य है। इन दो का साथ ही सत्संग है, इसलिए संतों ने जो उन्हें उपदेश फरमाया उसमें क्या फरमाया, करोरी कोई सत्संग आज बनाए, यानी कुछ ठीक तरह से सत्संग करनी है। कहीं जाकर के कथा कीर्तन में बैठ गए, कथा सुन ली, भजन गा लिए, जिसको दुनिया सत्संग समझती है, गाने बजाने के आयोजन भी होते हैं और आजकल पेशेवर गाने बजाने वाली सत्संग कराने वाली पार्टियां आती है, वो बहुत सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लाते हैं और डीजे साउंड लगाते हैं, उसके बाद में वो रात भर जो ना विभिन्न राग रागनियों से संतों के बाणी वचन गा लेते हैं। भागवत कथा 5-5 7-7 दिन पढ़ी जाती है, अखंड रामायण का पाठ होता है, उसको हम जो सत्संग मानते हैं वो सत्संग का सही स्वरूप नहीं है। इसीलिए इसकी तरफ इशारा करते हुए कहा सत्संग का असल स्वरूप कुछ और है, वो सच्चे संतों के वहाँ जाने पर पता चलेगा। इसलिए संतों ने फरमाया करोरी कोई सत्संग आज बनाए, ठीक तरह से सत्संग करो, बना करके सत्संग करो, यानी सत्य का साथ करना है तो जो पूरा फायदा जिस तरह की सत्संग से होता है वैसा करना है। ये जो महापुरुषों ने हमारे भले के लिए इस तरह का जो बाहरी आयोजन ये कायम किया है कि जिसमें हम हाजिर होवें, उनके गुण गावें, उनके दिए हुए उपदेशों पर चलने की कोशिश करें, उनके उपदेश को वापस याद करके समझने की कोशिश करें, अपने अपने स्वभाव को, अपने मन को, अपने अंतःकरणों को बदलने के लिए उनके उपदेश के प्रकाश में हम जो है जागृति लावें, चेतना लावें और अपने मलिन स्वभाव को दूर करके हम निर्मलता लावें। सत्संग घाट है जहाँ मेल धोया जाता है, तो ये भी इस सत्संग में होता है, जहाँ पे सत्य पुरुष का निर्णय होता है, सत्य वस्तु का निर्णय होता है, सच्चे नाम का निर्णय होता है, सच्चे मालिक का निर्णय होता है। ये बाहरी आयोजन जो संतों ने कायम किया ये भी सत्संग का सरगुण रूप है, और सत्संग का निर्गुण रूप, सत्संग का निर्गुण रूप नाम की कमाई है। मैंने निवेदन किया कि सत्संग सत्य वस्तु दो है, एक तो संतों का स्वरूप और एक सच्चे मालिक का नाम। तो सच्चे मालिक का नाम यानी सद्गुरु नाम जो दुनियात्मक है, जो मालिक का निज नाम है, आदि नाम है, जो गुप्त रूप से रचना के कण कण में व्याप्त है, जो हमारे भी अपने घट के अंदर मौजूद है, वो ऐसी कोई जगह नहीं हो सकती, ऐसी जगह की कल्पना नहीं की जा सकती जहाँ वो मालिक का नाम व्याप्त नहीं। वो मालिक अपने निज नाम के जरिए से ही तो कण कण में व्याप्त है, सर्वव्यापक है। तो वो मालिक की सत्ता का नाम मालिक का नाम है, सद्गुरु नाम मालिक की प्रकट सत्ता है, वो उनकी रचनात्मक शक्ति है, दया की हिलोर है, प्रेम की हिलोर है, चेतनता की हिलोर है। अब कितना ही वर्णन किया जाए वो तो वर्णन के परे है मालिक का नाम भी। तो उस नाम का संग कैसे करेंगे, उस नाम की साधना का, उस नाम से वापस जुड़ने का, जो कि सुरत का अपना भंडार है, हम उसी नाम की अंश हैं, तो उस नाम से वापस जुड़ने का तरीका हमें संत बताएंगे, उस तरीके के अनुसार संतों की दया और आशीर्वाद लेकर के, उनको प्रसन्न करके, उनकी दया के बल का सहारा लेकर के, उसके नाम से जुड़ने की जो कार्रवाई अपने घट में करेंगे वो अंदरी सत्संग है। क्योंकि नाम सत्य है तो उससे जुड़ना या उससे उसके निकट जाना यही सत्संग है। इसीलिए जो ऐसा करता है उसको न दुनिया के, न शरीर के, न माया के, न जगत के, न इस लोक के, न परलोक के, न अंतर मन के, घट के दोष
घट के विघ्न और बाहर के विघ्न, कर्मों के विघ्न, दुनिया के स्थूल जगत के विघ्न कुछ भी नहीं व्यापते, क्योंकि वो मालिक का नाम इतना प्रतापी, इतना तेजस्वी, हमारा रक्षक, हमारा हितेशी, हमारा सर्वस्व, हमारा धन जीवन प्राण, वो हमारा सहायक हो गया तो फिर हमें कोई भी कष्ट शरीर का भी नहीं होगा, जगत का भी नहीं होगा, माया का भी नहीं होगा, काल का भी नहीं होगा, कर्मों का भी नहीं होगा। सदगुरु शब्द सहाय साधो, सदगुरु शब्द सहाय, निकट गए तन रोगन व्यापे, पाप ताप मिट जाए। उसके तो निकट जाने से ही शरीर भी निर्मल और पापों का जो दाग अंतःकरणों पर पड़ा हुआ वो भी साफ। मैंने पहले निवेदन किया था कि सत्संग तो घाट है जहाँ पर मेल धोए जाएंगे। मेल कौन से धोए जाएंगे? हमारे अंतःकरण मिले हैं। मन तो, मन भी अंतःकरण का रूप है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चार अंतःकरण है। सूरत जीवात्मा सदा निर्मल सदा पवित्र है, वो मेली हुई नहीं, और शरीर को कितना धो लो वो पवित्र होगा नहीं। शरीर को तो पवित्र किया नहीं जा सकता, आत्मा कभी निर्मल है तो मेली हुई नहीं। इसलिए संतों ने कहा कि मेले क्या है, मेले हमारे अंतःकरण है। शरीर जड़ है, आत्मा सूरत जीवात्मा चेतन है, और सूरत जीवात्मा की जड़ माया से जो ग्रंथि बनी, जो मिलोनी की रचना हुई, जो मिलोनी के तत्व पैदा हुए, वो है मन बुद्धि चित्त और अहंकार, चार अंतःकरण। ये मेले हैं, इनको ठीक करने का काम भी सत्संग में होगा। इसलिए संतों ने कहा कि ये बहुत बड़ा मौका है अपने मेल धोने का। जैसे हमारी बुद्धि मेली, हमारा मन मेला, इसको महसूस कर सकते हैं कि हमारा मन कितना मेला है, क्योंकि हमारा मन अनेक बार सदा ही हर समय गंदी ही बात सोचता है, उठाता है, संकल्प इसके गंदे, इसका स्वरूप गंदा, इसकी जात गंदी, इसकी तासीर गंदी, हमारा जमीर ही गंदा। जमीर यानि अंतर मन, जमीर यानि स्वभाव का मूल अंतरात्मा। कहते हैं किसी का जमीर ही मर गया, जमीर ही गंदा हो गया, तो कहने में ये बात कह दी जाती है, आत्मा तो मेली नहीं होती, लेकिन वो गहराई, इतनी गहराई में वो गंदगी बैठ गई है कि वो आत्मा के एकदम निकट है, आत्मा उससे ओत प्रोत ढकी हुई है। इसलिए आत्मा को मेला कह दिया गया कि भी जमीर ही मर गया, आत्मा थोड़ी मर गई किसी की, लेकिन इस बात को समझाने के लिए ऐसा कह दिया जाता है। तो इस अंतर मन को या जमीर को या मन बुद्धि चित्त अहंकार जो हमारे अंतःकरण हैं, इनको साफ किए बगैर हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, और इनको साफ करने का यही केवल एकमात्र मौका है मनुष्य शरीर। इस शरीर में आकर के इन मेल को धोना है, और मेल को धोने की जगह सत्संग है। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, और मनुष्य शरीर मिलने के बाद में इस तरह की सत्संग, जैसा संतों ने बताया कि जहाँ पे अपने अंतःकरणों का मेल धो लिया जाएगा, हम वापस पवित्र होकर के बाप जी के चरणों में जाने के लायक बन जाएंगे, ऐसा केवल मौका इस समय मिला हुआ है, और ये बहुत भाग्य की बात है। अगर दुर्लभ मनुष्य शरीर में आने के बाद सच्चे संतों की शरण में जाकर के उनके सत्संग में, उनके दरबार में हाजिरी दें और अपने अंतःकरणों को, मेल को धो लें, तो फिर भवसागर में और रुकावट क्या है? रुकावट तो यही मेल ही है, हमारा मन ही रुकावट है, हमारा अहंकार ही रुकावट है परमात्मा के या सच्चे मालिक के या बाप जी के बीच में, और हमारे बीच में हमारा अहंकार ही पर्दा है। अहंकार ने हमारा रुख उल्टी तरफ कर दिया, मन पर्दा बन करके गिर गया बीच में। बुद्धि हमारी मेली है, जो लगातार कोशिश करती है कि हमारी वृत्ति वापस कहीं हमारे सच्चे मालिक से जुड़ नहीं जाए, इसलिए वो माया ग्रसित बुद्धि और ज़्यादा माया की तरफ हमें हमेशा ललचाई रखती है, ले जाती है, उधर ही ज़्यादा फंसाती है, कीचड़ में पहले से फंसे हुए और ज़्यादा गहरे दलदल में उतारने की कोशिश करती है हमारी बुद्धि, और चित्त वहीं जाएगा जिधर मन और बुद्धि उसको ले जाएंगे। चित्त यानी चेतना, चेतना हमारी उनके पीछे पीछे कैद में है, इसलिए उनके पीछे पीछे चलती है। बड़े भाग पाई बसत संगा,
बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। रामचरित मानस में गोसाई जी ने सत्संग की महिमा में फरमाया कि ऐसी सत्संग यानी सच्चे संतों के दरबार में उनके साथ रहने का नाम ही सत्संग है। किनके साथ? संतों के साथ। संतों के साथ का नाम ही सत्संग है। लेकिन संत जगत में आते हैं, एक शरीर धारण करते हैं, तो हमारे जैसे कई लोगों को, अनगिनत लोगों को, बहुत सारे लोगों को अपने शरण में लेते हैं, तो उनका जो प्रकट साथ है वो कैसे निभे। अब ऐसे ऐसे महापुरुष दुनिया में हैं और हो गए जिनके हजारों नहीं लाखों, हो सकता है करोड़ों भाविक हों, तो उन सब का वो साथ प्रकट में शरीर रूप से साथ कैसे निभे। तो उन्होंने ये सत्संग कायम कर दी, ये उनका दरबार भी उनकी सत्संग है। तो इस तरीके की सत्संग बड़े भाग्य से मिलती है। बड़े भाग पाइब सत्संगा, भाग्य ऐसे होते ही नहीं। इतनी दुर्लभ सत्संग, ये तो कबीर साहब ने फरमाया कि मालिक के घर में, मुक्ति के धाम में, मुक्ति के पद में जाने की कोई खुशी नहीं है। सच्चे सत्संग का मिलना दुर्लभ है, सच्चे सत्संग की आशा है। सच्चे सत्संग यदि भाग्य से मिल जाए तो मुक्ति या उससे बड़ा लाभ भी उसके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुक्ति तो सुख के धाम में ले जा करके बासा दे देगी, और सत्संग यदि करेंगे तो मालिक के चरणों में सत्संग ले जाके मालिक के चरणों में रहने लायक हमें बनाएगी। और एक दिन ऐसा होगा कि मालिक के चरणों में समा करके हम उनके रूप ही हो जाएंगे, अपने स्वामी अपने भंडार से मिल लेंगे, फिर कभी जुदा ही नहीं होना पड़ेगा। इसलिए सत्संग की महिमा बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ही भाग्य से मिली है। और जब ये मिल जाए तो यदि हमारे अंदर ठीक संस्कार हों, भाग्य साथ दें, हमारी कुछ जिज्ञासा इस दुखों से छूटने की प्रबल हो और सच्चे महापुरुषों की दया दृष्टि हमारे ऊपर हो, तो भवसागर के जितने कठिन दुख हैं उनको दूर होने में फिर ज़्यादा प्रयास या ज़्यादा समय या ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा, यदि सत्संग मिल जाए तो बिना प्रयास यानी बिना किसी खास कोशिश के भवसागर जो जितना प्रबल है, कहते हैं कि ये तो बहुत ही दुस्तर है, इसको तो तिरा ही नहीं जा सकता। कल अपन ने दादू साहब की एक वाणी पढ़ी थी, पार नहीं पाई ये रे विषम दुहेली बार, इस भवसागर से पार कैसे पड़े। ये तो उसी भजन में आगे एक जगह आया है कि ओगट दरिया क्यों तिरे, अतिर तिरो नहीं जाए। ये तो अतिर है यानी तिरने लायक तो है, लेकिन तिरने की हमारी सामर्थ्य के परे है, तो इसे कैसे तिरे, कैसे इस भवसागर से पार हों। ये थोड़ा सा समय मिला है इसके अंदर कैसे पार हों, तो संतों ने कहा सत्संग के जरिए से होगा, और कारण होगा तो मालिक के नाम के जरिए से। लेकिन नाम के लायक सूरत है नहीं, हमारी जीवात्मा मालिक के नाम को ग्रहण करने के लायक नहीं है। मेली सूरत उस पवित्र शब्द को पकड़ती नहीं, सुमरण करते हैं तब भी उसमें जो जबान से सुमरण करते हैं उस समय भी तो हमारा मन चारों तरफ दौड़ता रहता है। जो वर्णात्मक नाम है, जो स्थूल जबान से लिया जा सकता है, उसको ही हम नहीं ले सकते। यानी जो प्रकट रूप है नाम लेने का, जप करने का, माला फेरने का, वही हम ठीक तरह से नहीं कर सकते। उस समय भी हमारा मन बाहर भटकता है, तो जो नाम का निर्गुण रूप है, जो नाम का सूक्ष्म रूप है, उसको हमारी स्थूल जड़वत हो चुकी सूरत कैसे ग्रहण करेगी। उसके लायक बनाने के लिए संतों ने सत्संग का जरिया जारी किया, इसलिए सत्संग मूल हो गई। यानी मालिक के नाम का वेद संत दे दें और हमारे अंदर उस नाम की करने यानी नाम की कमाई करने की कुव्वत नहीं हो, तो नाम का भेद लिया तो हुआ क्या, हमारा अब तक लाभ हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि उसके लायक नहीं बने। बाप जी वो नाम का अमृत का प्याला पिलाने को तैयार हैं, अभी हमने पिया नहीं। बाप जी रोज इंतजार कर रहे हैं कि आज आएगा तो आज इसको पिला ही देंगे, फिर भी अपन पीने को तैयार ही तो नहीं है, पीने की लालसा ही नहीं है। ये सब किस असर से है? माया के संग के असर से। माया के संग के असर से मायावत हो गए, जड़वत हो गए, जड़ रूप हो गए। इसको वापस पलटने के लिए
हमारे स्वभाव को वापस जो है ना निर्मल सूक्ष्म और चैतन्य ग्राही बनाने के लिए सत्संग है। संतों ने कहा कि ऐसा अवसर तो भाई फिर दोबारा मिलेगा नहीं। बिना प्रयास के भवसागर का कठिन दुख दूर हो सकता है। इस समय में क्या खासियत है, कलयुग के समय में हमें मनुष्य शरीर मिला, कलयुग के समय में संतों की करनी बन आती है, मनुष्य शरीर में ही संतों की बताए हुए अभ्यास को कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि मनुष्य शरीर में और कलयुग में दूसरे भी जगत में बहुत सारे जीव हैं, वो सब भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको तो सच्चे संत ही नहीं मिले, उनको तो सच्चे मालिक का भेद ही नहीं मिला, हमें मिल गया। अब हमारे लिए दुर्लभ से दुर्लभ अवसर मालिक ने दया करके सुलभ कर दिया है। तो इसलिए संतो हमें चेताते हैं कि इस लापरवाही में तुम अब लगता है कि इस मौके को खोने वाले हो, क्योंकि बहुत सारा समय तो हमने खो दिया, गंवा दिया, और जो बाकी बचा है इसको खोने में तो कोई कसर है ही नहीं, ये तो अपने आप ही खो जाएगा। हमें भवसागर में बहने में क्या प्रयत्न करना पड़ेगा क्या, अपने आप ही बह रहे हैं ना। बचने के लिए तो बहुत कोशिश करने की ज़रूरत है, लेकिन बहने के लिए तो कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बह तो रहे हैं। इसलिए हमें महापुरुषों ने इस तरह से प्रार्थना करना सिखाया, सूरति करो मेरे साईया, हम हैं भव जल माय, आपे ही बही जाएंगे जो नहीं पकड़ो वहाँ। हम तो अपने आप ही बह जाएंगे हुजूर, यदि आपने हमारा हाथ नहीं पकड़ा। पहले से ही बह रहे हैं और अभी भी भवसागर का प्रवाह तो बहुत प्रबल है और हम एकदम निर्बल हैं। निर्बल हैं तो भी हम सच्ची कोशिश भी तो नहीं करते बचने की, इसलिए हमारे डूबने में कोई संदेह नहीं है। अब मालिक दया करके हमारी तरफ तवज्जो करे, विशेष दया की नज़र करे, तब तो शायद बच सकते हैं। इसीलिए हमें ऐसी प्रार्थना करना सिखाया। सदगुरु कबीर साहब की ये वाणी है, सूरति करो मेरे साईया, हम हैं भवजल माय। हम तो भवसागर के जल के अंदर हैं। कैसे, ये बाहर जितना जगत है हमारा संसार, ये भवसागर का रूप है पक्का। न तो यहाँ के रिश्ते हमारे सगे हैं लेकिन हम मानते हैं, न हमारे हितकारी हैं लेकिन हम उनको हितकारी मानते हैं। वो हमारे वास्तव में तो भवसागर में जितनी चीज़ें हैं माया की, वो सब हमारे विरोधी हैं। वो हमें काल की तरफ ले जाने वाली है, मौत की तरफ ले जाने वाली है, नरकों 84 में डालने वाली है, आवागमन में डालने वाली है। उसी की वजह से आवागमन के अंदर पड़े ही हैं, डालेगी क्या, निकले तो है ही नहीं अभी, फिर भी हमें वो अच्छी लगती है। तो ये जो अच्छी लगती है ये भावना तो हमारे अंदर है, बाहर जगत है, माया है, रिश्तेदारी है, परिवार है, कुटुंब है, शरीर है, शरीर के सुख है, मान बढ़ाई है, धन संपत्ति है, तेरी मेरी राग द्वेष ईर्षा है, विरोध है, मोह है, ये सब बाहर भवसागर का भयानक रूप है। तृष्णा है, आग लगी हुई है, क्रोध की आग लगी हुई है, एक दूसरे की जान लेने के लिए कई लोग संकल्प करते हैं कि इसको वापस मार के बदला लूंगा ही लूंगा, और फिर वो कोशिश करता है। कभी कभी कोई लोग ऐसे जो ना बेर को कई कई वर्षों तक, कई कई पीढ़ियों तक पालते हैं। ये तो बाहर का जगत हो गया भवसागर, और हमारे अंदर जो संकल्पना कि इसको तो मार के ही छोड़ूंगा, इससे तो आटा लूंगा, इससे बदला निकालूंगा, इसका अपमान करूंगा, इसने मुझे सताया है, मेरे को धोखा दिया है, मेरा नुकसान किया है, इसका वापस करूंगा, ये मेरा अपना है, इसका हित करूंगा, ये मेरा पराया है, इससे मेर साधूंगा, ये अंदर है, ये भी भवसागर है। तो एक नाव ऐसी हो जिसके अंदर बहुत सारे छेद हों। अपने हैं ना, छेद तो अपने शरीर में ही है, और रोम रोम में जितने नाव में पसीना आता है वो सब छेद नहीं, तो अंदर से पानी कैसे निकलता है। तो अनंत छेद वाली ये नाव हमें मिली है भवसागर से तिरने के लिए, इतने तो इसमें छेद हैं। और फिर भवसागर बहुत विकट और दुस्तर है, और बाहर बड़ा प्रबल है, मोह की हिलोर उठ रही है। कम है मोह की लियो हिलोर, हम सत्संग में जाते हैं तो मोह को साथ ही लेके तो जाते हैं, और सोचते हैं कि हमारा जिन जिन से हमारा मोह है वो भी हमारे साथ ही रहें, तो उनकी याद आवे तो दूर नहीं कल्पना करनी पड़े, नज़दीक में ही दिख जावे। ये भवसागर का रूप ही है, बाहर भी भवसागर का जल है और हमारे अंदर भी भवसागर की यानी बड़ी बड़ी हिलोरें उठ रही है।
मोह की उठ रही है, लोभ की उठ रही है, तृष्णा की उठ रही है, अहंकार की तो कोई सीमा ही नहीं बची है। क्रोध उठता है तो उसकी ज्वाला या उसकी आग की भी कोई सीमा नहीं है, मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर इतना बढ़ जाता है क्रोध के आवेश में कि दिमाग की नस फट जाती है, लकवा हो जाता है, ख़त्म हो जाते हैं, हेमरेज हो जाता है। लेकिन नहीं करेंगे तो क्रोध, वापस डॉक्टर से जाके इलाज करा के फिर अगर आएंगे तो क्रोध ही करेंगे। तो ये भवसागर हमारे अंदर भी है, यानी ऐसी नाव में बैठे हैं कि वो समुद्र का पानी नाव के अंदर भी है और नाव के बाहर भी है। बड़ी बड़ी हिलोरे हैं, नाव में अनेक छेकले हैं और हम तैरना जानते नहीं, तैरना चाहते नहीं, अब कैसे तैरें? अब तो डूबने में कोई संशय नहीं है, इसलिए आपे ही बह जाएंगे जो नहीं पकड़ो बा। हम तो अपने आप ही बह ही रहे हैं, बहे हुए हैं, लगभग बहे हुए हैं, और यदि आपने दया करके हमारी तरफ तवज्जो नहीं की, हमारा विचार नहीं किया कि वो गरीब हमारा बच्चा बह जाएगा, बड़ी लीलोर आ रही है उसी में चला जाएगा, अगर आप बचाने के लिए तत्पर नहीं होंगे तो हमें बचाने वाला कौन है? भवसागर के अंदर और बाहर दोनों तरफ भौके जल से घिरे हुए हैं, इसलिए संतों ने कहा ऐसा मौका मिलेगा नहीं, मालिक दया करेंगे, अपना हाथ बड़ा करके हमें इसमें से निकालेंगे, हम अपनी सामर्थ्य से नहीं निकल पाएंगे, ये बात तीन काल में सत्य है। फिर हमें करना क्या है? हमें करना कुछ नहीं, अपना हाथ मालिक के हाथ में तो देना पड़ेगा। वो दयालु अपने का जो नहीं पकड़ो वहां, यदि आप हमारे हाथ को पकड़ करके हमें नहीं उठा लेंगे तो मैं तो इस भवसागर में जाने ही वाला हूँ। बिल्कुल बात सही है, बाप जी कहते हैं अच्छा इतना करना है, हमें हाथ बड़ा करके तुमको निकालना है, चलो हम हाथ बढ़ा के निकाल लेते हैं। अब वो मालिक दयालु हाथ बढ़ावे, अपन उनके हाथ में अपना हाथ देवे नहीं, किसको हाथ में देंगे? अपने परिवार के हाथ में देंगे और किसके हाथ में देंगे? वो अपने हैं, इतने सारे सांस उनके लिए गंवाए हैं कि सफल किए हैं तो अपन जानते हैं सफल किए, मालिक जानता है क्या किया क्या नहीं किया, कितना कबाड़ा किया। अब बाकी का जीवन का क्या करना चाहते हैं? उन्हीं की सेवा में रह करके, उन्हीं की सेवा शुश्रूषा पालन पोषण वो सब करके हम सोचते हैं हमारे जीवन को धन्य बना ले। किसी के अपने यहाँ तो ऐसा रिवाज है हिंदू संस्कृति में, जिस किसी के लड़का नहीं होता उसकी मोक्ष नहीं मानते, उसकी गति नहीं होगी, सदगति में नहीं जाएगा, फिर पोता होता है तब तो कहते हैं कि भाई ये तो बहुत सुखी है, सब सुख देख करके गया, पड़पोता हो जाए तब कहते हैं सोने की सीढ़ियाँ चढ़ करके स्वर्ग में जाएगा, और उससे भी ज़्यादा एक पीढ़ी और आगे हो जाए तो मरता है तब लोग कहते हैं अरे उसका क्या गम करना, उसने अपना भरपूर जीवन जिया, सब सुख देख करके गया, उसका क्या, वो तो सब उसने प्राप्त कर लिया जीवन में, उसके लिए दुख करने की रोने की भी अब जरूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा उम्र लेके जावे, पीछे भरा पूरा परिवार हो, संपन्न परिवार हो, तो लोग कहते हैं कि भाई अब इसकी बेकुंठी निकालो, गाजे बाजे के साथ, मरने का कोई दुख ही नहीं है, खुशी मनाते हैं। हम चाहते हैं ऐसा ही हम भी करके जावें। तो हम हमारा हाथ किसके हाथ में दे रहे हैं? बाप जी के हाथ में दे रहे हैं कि पोते पड़पोतियों के हाथ में देने का इरादा है? तो हाथ में उनके हाथ दे देंगे तब तो निकाल लेंगे, वो तो कोई वहां तो कभी चूक होगी नहीं, हाथ में हाथ देंगे जब होगा तो हाथ में हाथ नहीं दे पाते। बाप जी के हाथ में अपना हाथ सौंपा नहीं, यह जीवन बाप जी को कहाँ सौंपा? रोज प्रार्थना करते हैं अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सौंपा बिल्कुल नहीं। आज मेरे तकलीफ हो जाएगी तो खुद इंतजाम करूंगा, रुपया पैसा नहीं है तो हाय हाय खुद ही करूंगा, रातों को जाग करके खुद ही कोशिश करूंगा, परिवार में कोई संकट आ जाएगा तो रात दिन एक करके उस संकट को दूर करने की झूठी साची कोशिश करूंगा, सफल नहीं होऊंगा तो भी वही करूंगा। तो मैंने अपना हाथ बाप जी के हाथ में दिया ही नहीं। तो संतों ने कहा सत्संग को कुछ ठीक तरह से करना सीखना, इसलिए करो रे कोई सत्संग आज बनाए, जैसे हम करते हैं उस सत्संग से तो अभी तक हमें पूरा लाभ उठाने का जरिया या तरीका आया नहीं, तो उसको सीखना है, मौका दुर्लभ है, जल्दी से इसको ठीक तरह से सत्संग करना सीख करके सत्संग कर लें। तो यह सत्संग तो पारस है, लोहा यदि पारस का संग करे तो तुरंत ही सोना होता है, हम भी हो जाएंगे ठीक तरह से करेंगे तो उसमें ठीक तरह से करो रे कोई सत्संग आज बनाए, बनाए का मतलब है ठीक तरह से, जिस तरह से उसका पूरा फल मिले। वो बनाए के क्या है कि
लोहे में खोट होगी तो पारस से सोना नहीं होगा। लोहे में पारस के बीच में थोड़ी सी दूरी रह गई, अंतर रह गया, बाल बराबर दूरी रह गई, मारवाड़ी में कहते हैं छेती रह गई, तो सोना नहीं होगा। अपने तो बहुत छेती है, अभी बाबजी को अपना जाना ही कहाँ है, कहाँ इस बात इस धारणा में मैं कहाँ परिपक्व हूँ। अपन सब भाई बहन सोचे अपन कितने पक्के हैं कि बाबजी तीसरे तिल पर इस समय अपने सबके घट में विराजमान है, इस सत्संग में भी विराजमान है, ऐसा अपन मान पाते हैं क्या? बोलते हैं, इस बात को संपूर्ण विश्वास के साथ मानते कहाँ हैं। तो अभी देरी है, इसीलिए हमारा फायदा नहीं हुआ। ठीक तरह से सत्संग करने का मतलब क्या कि जैसे बाप जी का साथ का नाम सत्संग है, जैसे बाप जी हैं वैसे ही हम क्यों ना हो जाएं। चंदन के पेड़ के पास जितने दूसरे पेड़ होते हैं वो सब चंदन होते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं, आचार्य कहते हैं, संतों ने कहा। लेकिन चंदन के उस वन में जहाँ चंदन या मलयागिरी का पेड़ हो, सारे ही पेड़ चंदन हो जाते हैं? कहते हैं हाँ ऐसा होता है। आँख और पलास अगर उस वन में उग जाए तो वो भी चंदन हो जाते हैं। आँख के अंदर चंदन की खुशबू बैठ जाएगी, आँख में, मदार में, जिसको यहाँ मदार कहते हैं, हिंदी में उसे आग कहते हैं, हमारे इधर आंकड़ा कहते हैं, वो भी चंदन हो जाएगा। लेकिन बांस तो चंदन नहीं होता। बांस चंदन क्यों नहीं होता? बांस में चंदन की खुशबू दूसरे पेड़ में बैठती है तब वो पेड़ रहता तो आग का ही है, लेकिन उसके अंदर खुशबू चंदन की हो जाती है, इसलिए कहते हैं चंदन हो गया। लेकिन बांस क्यों नहीं होता? जब सारे जंगल में सब तरह के पेड़ थे, सारे ही चंदन हो गए, शीशम चंदन, आम चंदन, जितने तरह के पेड़ हैं, जामुन का पेड़ हो तो वो भी चंदन, चिलबिल का पेड़ हो तो वो भी चंदन, लेकिन आँख चंदन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि बाकी सब पेड़ में गूदा है और बांस में गूदा कहाँ, रेसा ही रेसा है। हमारे अंदर प्रेम की जात ही नहीं है तो बाप जी के जैसे कैसे होंगे? ये मैंने इसलिए निवेदन किया कि संग का असर होता है, लेकिन एक शर्त है, संग यदि प्रेम से किया जाएगा तो रंग लगेगा, और प्रेम से नहीं किया जाएगा तो रंग नहीं लगेगा। खोटे संग का असर खोटा, अच्छे संग का असर अच्छा, दोनों में यही शर्त लागू है। यदि किसी खोटे आदमी के साथ रहें और प्रेम के साथ उसके उसका संग करें तो हमारे अंदर सारी बुराइयां उसकी अंदर आ जाएगी। और संतों के साथ, सज्जनों के साथ, साधुओं के साथ रहें, प्रेम के साथ, प्रीत के साथ उनका संग करें तो जो उनमें निर्मलता है, जो उनमें दिव्यता है, जो उनमें गुण है, वो सब हमारे अंदर आ जाएंगे। लेकिन उनसे प्रेम होगा तो आएंगे, प्रेम नहीं होगा तो नहीं आएंगे। खोटे आदमी के साथ भी रह हमारे मन में उनके प्रति बिल्कुल ही लगाव नहीं हो तो उनकी बुराई भी हमारे अंदर नहीं आएगी। जैसे संतों के, सज्जनों के, साधुओं के साथ में रह करके हम यदि उनके साथ प्रेम से न कर पाएं तो हमारे अंदर उनके महान गुण नहीं आएंगे। इसी तरह से यदि खोटे लोगों के बीच में रहें, खोटी संगत में रहें और उस खोटी संगत वालों से हमारा प्रेम का नाता नहीं हो तो बुराई भी नहीं आएगी। उदाहरण मौजूद है, प्रहलाद का बाप कौन था? राक्षस। परिवार कौन था? राक्षस। शहर किन का था? राक्षसों का। प्रहलाद में तो एक भी बुराई नहीं आई अपने बाप की, इसलिए कि प्रहलाद का अपने बाप से प्रेम का नाता नहीं था, बाप उसको मारना चाहता था, प्रेम कहाँ था? बस इतनी कसर रह गई है दुनिया का, तो हम संग प्रेम से कर रहे हैं जो दुनिया की झूठी है। जगत में प्रहलाद हमारे से विपरीत परिस्थिति में रहा था, हम तो ठीक परिस्थिति में, हमारे घरवाले राक्षस कहाँ हैं? प्रहलाद के माँ बाप तो राक्षस थे, रिश्तेदार राक्षस थे, हमारे तो माँ बाप तो राक्षस तो नहीं कहला सकते, अच्छे लोग थे, सत्संगी थे कईयों के, तो वो तो भले लोगों के बीच में रह कर के भी हम जो है लाभ नहीं उठा सके, और वो राक्षसों के बीच में रह कर भी लाभ उठा लिया। कारण है कि उसने जगत से प्रेम नहीं किया,
तो उनकी बुराई तो आई नहीं, और प्रेम किया आपने गुरुदेव नारद जी से, प्रेम किया, श्रद्धा रखी नारद जी के उपदेश पर, श्रद्धा रखी नारद जी के दिए हुए, गुरुदेव के दिए हुए नाम पर, तो उसका जीवन कंचन हो गया। तो इस तरह से ये मतलब है करोड़ कोई सत्संग आज बनाए, यानी इस तरह से करें, सच्चे संतों का साथ करें, जगत से उपरामता रखें, क्योंकि जगत जगत तो राक्षसों की नगरी है ही है, इसमें सभी शामिल हैं, जितने लोग हैं सभी, चाहे जिनको हम अपना मानते हैं वो भी हमारे हितकारी नहीं हैं, वो सब माया के रूप हैं, इसलिए हमारे विरोधी हैं, हमारा उनसे लाभ होने वाला नहीं है। तो जैसे पहला समझ गया, बचपन में 5 साल का बच्चा समझ गया कि ये मेरे हितकारी नहीं है, क्यों, किसकी कृपा से, उनके गुरुदेव की कृपा से, नारद जी ने समझा दिया, हमें भी गुरुदेव तो नारद जी से भी बड़े मिले, सच्चे सतपद का भेद देने वाले गुरु मिले, प्रहलाद जी को तो नारद जी देव ऋषि थे, सत्य पद का भेद देने वाले तो नहीं थे, उनसे इतना लाभ उठाया प्रहलाद ने, और हमें सच्चे सत्य पद का भेद देने वाले सच्चे गुरु मिले, लेकिन हम भेद हम उनसे लाभ नहीं उठा पाए। वो 5 साल के बच्चे ने पूरा लाभ उठा लिया, और हमारे तो पूरा जीवन ही समाप्त हो गया, अब तक कुछ नहीं हुआ। ये है हमारा करने का गलत तरीका, सत्संग करने का गलत तरीका। इसलिए संतों को तो एक एक शब्द के अंदर इतना मर्म छिपा है, अपन क्या उसकी था लेंगे। ये तो अभी वही चर्चा चल रही है, करोड़ी कोई सत्संग आज बनाए, आज बना करके ठीक तरीके से सत्संग कर लो। अभी तो ये बात हमारे समझ में नहीं आई कैसे करें, इसके ऊपर अपन विचार कर रहे हैं, उनकी कृपा से ही वो हमें ऐसी सूचना दे रहे हैं, थोड़ी बहुत हमारे पल्ले पड़ जाए तो ही हमारा फायदा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि संतों ने कह दिया, हम तो सब जानते हैं जी, शास्त्र वास्त्र पढ़े हैं, संतों की वाणी वचन पढ़े हैं, हम पुराने सत्संगी है, हमसे क्या छिपा हुआ है। छिपा हुआ तो अभी इस बात के अंदर एक शब्द में जो अर्थ अभी तक तो अपने को पता लगा ही नहीं है, संतों की बात का मर्म क्या समझेंगे। तो कुछ समझ करके करने में फायदा है। संतों ने कहा तिरिया सुत धन राम बढ़ाई, यह सुख फिर दुख मूल दिखाए, हमें सावचेत किया, हम जिनका संग करते हैं दुनिया में, स्त्री पुरुष का संग है, पुत्र है, परिवार है, धन संपत्ति है, गांव है, माल असबाब है, धन संपत्ति है, खेत खलियान है, फैक्ट्रियां हैं, नौकरी का गर्व है, अपनी समझ बूझ का भी झूठा अहंकार है, और दुनिया के जितने सामान हैं उनमें हम सुख ढूंढते हैं, मान बढ़ाई में हम सुखी होते हैं, परिवार के साथ रह करके सुखी होते हैं, ये शरीर जो नष्ट होने वाला है 2 दिन के लिए निरोगा रह जाए तो हम इसमें बहुत मगरूर होके सुखी हो जाते हैं, इस शरीर के सुख के लिए नाना नाना तरह के प्रयत्न करते हैं। संत कहते हैं यह सुख फिर दुख मूल दिखाए, यानी ये जितने सुख अभी अपन ने विचार किए ऐसे बहुत हैं, अपन सब इनको थोड़ा थोड़ा जानते हैं, इनके अंदर फिर दुख की जड़ मौजूद है। यह सुख फिर दुख मूल दिखाए, ये फिर एक दिन दुख का मुंह दिखाएगा अपने को, क्योंकि इनके मूल में इनके जड़ में दुख मौजूद है। कैसे, किसी को अपना माना, भाई ये तो अपना सर्वस्व है, हम तो अपना जीवन इनके साथ, कहते हैं इनको हमने अपना जीवन साथी बना लिया, ये तो काम बहुत बढ़िया किया। अभी क्योंकि जीवन तो दुनिया के अंदर वैसे ही कष्टमय है, किसी के साथ से आराम से निकलता है, इसलिए समाज ने परंपरा कर रखी है कि भाई किसी के साथ रहो तो जिसके साथ पूरी उम्र रहने का वादा करते हैं उनको जीवन साथी कह देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा समय आता है कि जीवन साथी में से 2 पहियों की गाड़ी में से 1 पहिया पहले ही टूट जाता है, तो सुख में दुख का मूल हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, पहिया टूटा नहीं, मान लो पहिया कायम रह गया, 2 पहियों की गाड़ी है, पहिया कायम है, मन मुटाव हो गया तो भी टूटने समान ही है, मन मुटाव के बाद में झगड़ा हो जाए तो और बुरी बात है, विरोध हो जाए, कोर्ट कचहरी पे चले जाएं और एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगें, फिर लड़ाई झगड़े हाथापाई भी करते हैं, फिर संतान को पालते हैं, सोचते हैं कि ये हमारे बुढ़ापे में, ये बुढ़ापे की लकड़ी बनेगा, ये हमारे बुढ़ापे के दीदा हैं, बोले दीदा है ना, यहाँ पे कहा जाता दीदा, यानी हमारे बुढ़ापे की आंखें हैं, अंधे के जैसे आंखों का नहीं, आंखें नहीं होती तो आंखों का सुख कितना बड़ा होता है, तो हम सोचते हैं कि ये जो हमारे संतान है ये बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगी, और बुढ़ापे आने के पहले जो है ना लड़का लकड़ी लेकर के सामने खड़ा हो जाता है,
मारपीट हो जाती है, गाली गलौज तो होता ही रहता है, तेरी मेरी हिसाब किताब का झगड़ा। वो बुढ़ापा तो आएगा जब आएगा, और सेवा तो पता नहीं करने वाले कलयुग में कितने होंगे, दुख तो पहले ही मौजूद है। यह सुख फिर दुख मूल दिखाए, संपत्ति बढ़ गई तो उसमें अपन सोचते हैं आराम है, इसके अंदर भी दुख है, चोरी का दुख है, टैक्स भरने का दुख है। संपत्ति आई तब तो सुख हुआ थोड़ा, और अचानक नुकसान हो जाए तो दुख होता, झटका लगता है ज्यादा। किसी किसी की संपत्ति चली जाए, मान लो नेकी से नहीं कमाई हुई हो, तो वो संपत्ति बुढ़ापे में जेल में डलवा देती है। अभी कल परसों कौन सी बात चल रही थी, वो माल्या भग गया, तो माल्या रुपए लेकर भग गया, अब जेल में जाने की तैयारी हो रही है। वो कमाया पैसा 9,000 करोड़ रुपए यहाँ से लेकर के बाहर भगा, अब वापस इंडिया आएगा, आने वाला है। तो वो जो 9,000 करोड़ रुपया है, अब आने के बाद में तो जेल तैयार है। वह यह सुख फिर दुख मूल दिखाए। मान लो अपने को स्वादिष्ट भोजन अच्छे लगते हैं, हम सुखी होते हैं खा खा करके, फिर पेट दुखता है, फिर यहाँ दस्तें शुरू हो जाती है, फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। सुख में दुख छिपा है कि नहीं छिपा है ना? तो संतों ने तो हमें जानते हैं, हम सब हैं, लेकिन आंख मीची हुई है। इसी भजन में आगे फरमाएंगे वो कि देखो भाई, हमने अब तुमको जगा दिया, जानते तो थे लेकिन जानबूझ करके नींद ले रहे थे, तो जगा तो दिया उन्होंने दया करके, अब भी नहीं जगे तो फिर। और यही तो मैंने पहले निवेदन किया, हमने अपना हाथ उनके हाथ में कब दिया, उनके हाथ में अपना हाथ सौंप दें, तब तो फिर वो कहते हैं ना, भवसागर चाहे कितना ही बड़ा हो, हम निकाल लेंगे बाहर। निकाल तो लेंगे, समर्थ गुरु हैं, हम अपना आपा तो उनको अर्पण करें, उनके प्रति हमारे मन में सच्ची समर्पण वाली, संपूर्ण समर्पण वाली शरणागति, पूरी शरणागति, कंप्लीट सरेंडर कैसे होगा? इसलिए कहते हैं, या से बचो गहो गुरु शरणा, सत्संग में तुम बैठ हो जाए। अब इस या से बचो है ना, इस दुनिया के जो सुख हैं, ये दुनिया के रूप हैं, ये जो दुनिया हमारे घर में, मन में, बाहर अंदर चारों तरफ से हमें घेरी हुई है, हम इसमें मगन हैं, इससे बचना, और किसी से नहीं बचना। जीतना किसी से नहीं है, विरोध किसी से नहीं है, एक से है, वो है हमारा मन। जीतना तो हमें अपने मन से ही है, और किससे जीतना? जो हम सोचते हैं कि वो फला फला आदमी से मेरा विरोध चलता है, उसको हरा करके ही दम लूंगा, ये तो हमारे मन का धोखा है। हराना तो अपने मन को ही है, उसको क्या हराना, वो तो बाप जी का अंश है, उसमें तो गलत कुछ भी नहीं है। जीत ये मन ही सुनी अस रामचंद्र के राज, दंड जतिन कर भेद जाए नर्तक नृत्य समाज। जीती है मन ही सुनी अस रामचंद्र के राज। भगवान राम का राज सर्वोच्च राज था, यानी ऐसा राज की जैसा सुंदर राज कभी आया ही नहीं। इसलिए बढ़िया से बढ़िया कोई राज होता है तब लोग कहते हैं राम राज आ गया। तो राम राज में ऐसी क्या खासियत थी? बहुत सी खासियतें थी, सभी महापुरुषों ने वर्णन किया। गोसाई जी ने रामायण में कहा कि उन दिनों में दंड किसी को दिया ही नहीं जाता था, दंड यानी सजा। क्यों? क्योंकि कोई गुनाह ही नहीं करता था, दंड किसको देवे? तो दंड शब्द कहाँ रह गया? दंड कहते हैं सजा को, और दंड कहते हैं लकड़ी को, जो अपन लकड़ी टेक टेक करके चलते हैं, बांस एक काट करके दंड बनाते हैं, ये भी दंड है, और सजा दी जाती है गुनाह के लिए, वो भी दंड है। तो वो दंड तो उठ गया, सजा देने वाला, तो दंड कहाँ रह गया? यति लोगों के हाथ में रह गया। साधु लोग लकड़ी लेकर के चलते हैं, पैदल चलने वाले पुराने लोग, पैदल यात्री अपने हाथ में लकड़ी का डंडा रखते ही थे, उसका सहारा रहता है। तो दंड जतिन कर, दंड तो यतियों के हाथ में रह गया, और भेद जन नर्तक नृत्य समाज, भेद कहाँ रह गया? मन में तो किसी के भेद था ही नहीं, राम भगवान राम के राज में भेद रह गया कलाकारों के समाज में, कि भाई ये राग भैरव है और ये राग दीपक है, ये राग मलार है, ये अलग अलग भेद हैं, ये ताल और भेद और स्वर का जो भेद है, ये कलाकारों के, गायक कलाकारों के, नृत्य लोगों के, नर्तक लोगों के, संगीत बजाने वाले कलाकारों के, इनके समाज में भेद की बात होती थी कि नहीं, तू जो बोल रहा है इसमें मेरी राग में भेद है, सूक्ष्म भेद होते थे, वही समझते थे, राग रागनियों में भी होते थे। तो भेद तो रह गया था कलाकारों के समाज में, और दंड रह गया था यति लोगों के हाथ में,
और जीतिए मन ही सुनी अस रामचंद्र के राज, जीतना किसको है मन को, ऐसा ही रामचंद्र जी के राज में सुनाई देता था। ये तीन शब्द इस जगह पे काम आते थे। तो जीतना तो मन को ही है, अब तो कलयुग का समय है, रामराज नहीं है, अब तो हम मन के तो कहने में चलते हैं, और जो दूसरे जितने भी प्राणी हैं वो जो कि हमारे सच्चे भाई हैं, हमारे ही बाप जी के अंश हैं, उनसे जीतने की गलत कल्पना करके और उनसे जीतने की जो कोशिश करते हैं वही मालिक से और दूर होते हैं। जैसे किसी के प्रति मेरे मन में विरोध हो, दूरी बढ़े, तो फिर मैं बाप जी से दूर हो रहा हूँ। हो सकता है सामने वाला की गलती हो, ऐसा हो सकता है इस दुनिया में, तब भी मेरे मन में उस प्राणी के प्रति विरोध नहीं आना चाहिए, ऐसा संतों का हुक्म है। लेकिन ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तब मैं उसी से विरोध पालता हूँ, तो उससे विरोध पाल करके खुश होता हूँ, खुश होता हूँ लेकिन बाप जी से दूर हो रहा हूँ, ये मुझे अभी पता नहीं है। इसलिए जीतना तो अपने मन को, और किसी को जीतना नहीं, और किसी का विरोध नहीं, और किसी तो अपना विरोधी है ही नहीं, कोई बैरी है ही नहीं। जग में बेरी को नहीं जो मन शीतल हो। हमारा मन शीतल नहीं है, उद्विग्न है, क्रोध और लोभ और मोह इसके ताप से जल रहा है, इसलिए हमें जगत में सब विरोधी और बेरी नजर आते हैं। मैं कई बार सोचता हूँ, मुझे बहुत से लोगों की बहुत सारी बातें पसंद नहीं आती, और फिर मैं सोचता हूँ कि यही मेरी सबसे बड़ी गलती है, सच बात है, क्या करूँ, मजबूर हूँ। यदि मुझे ज्यादातर लोगों की ज्यादातर बातें पसंद नहीं आती, तो इसका मतलब है कि मैं खुद ही निराशावादी हूं, मेरी खुद की धारणा ही गलत है, जगत में तो कोई गलत है ही नहीं। लेकिन इस धारणा पर जो मैं अभी बोल रहा हूं, उस पर मेरा मन टिका नहीं रहता, बाप जी दया करेंगे तब होगा। जग में बेरी कोई नहीं जो मन शीतल हो, या आपा को डारी दे दया करें सब को। न तो कोई बेरी है, न कोई अपना है जगत में। पहले अपने इस बात पर विचार किया कि अपना कोई नहीं है, अब इस बात का दूसरा पहलू है कि अपना नहीं है तो पराया है क्या कोई, या नहीं पराया कोई नहीं, न कोई अपना है न कोई पराया। लेकिन ये जगत ऐसा है कि जो न तो अपना है न पराया है, इससे संबंध रखने लायक ही ये नहीं है, बस इतनी बात जरूर है। ये माया की रचना इतनी निकृष्ट है कि इससे किसी तरह का रिश्ता रखें ऐसी तो यह ही नहीं, ऐसी गंदी चीज से क्या रिश्ता रखें, जो आज है कल खत्म होने वाली है। इस शरीर से ज्यादा अपना कोई नहीं, और इस शरीर से गंदी चीज भी कोई नहीं। समय की कमी है, महापुरुषों ने अनेक तरह से समझाने की कोशिश करी है, संक्षेप में एक छोटी सी कथा कह देता हूँ। सुखदेव जी गुरु बनाने के लिए जनक जी की सेवा में पहुंचे, जनक जी ने उनको उपदेश दिया, समझ गए थे कि ये तो पहले से ही वीतराग है, जन्म गर्भ योगेश्वर है, गर्भ में ही जो ना बैरागी था, सब जानते थे जनक जी, गुरु थे तो गुरु तो जानते ही हैं। उनको अभी पूरा भरोसा नहीं था सुखदेव जी को कि ये कोई सच्चे गुरु हैं, कि ये क्या राजा हैं, ये मैं तो बड़ा बैरागी हूँ, इनके पता नहीं राजपाट वाले क्या बैरागी होते हैं। लेकिन पिताजी ने भेजा तो आना पड़ा, आ गए। गुरु जी तो जानते थे जनक जी कि इसको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, इसका देहाध्यास थोड़ा छुटा देना चाहिए, इसको अभी देहाध्यास बचा हुआ है। तो जब गुरु बना दे, पहले उपदेश देने के वक्त भी कई लीलाएं करी, इतना समय अभी आज हमारे पास नहीं है, तो अगली बात पर विचार करते हैं। जब उपदेश दे दिया तब एक नियम होता है, किसी को गुरु बनाया जाता है तो शास्त्रों में एक मर्यादा है कि गुरु को गुरु दक्षिणा जब तक न दें तब तक गुरु और शिष्य का संबंध पूरा नहीं हुआ। तो गुरु दक्षिणा में जरूर नहीं कोई धन संपत्ति भेंट करे, वो भेंट वेंट तो गुरु को चाहिए तो करेंगे नहीं। वो गुरु दक्षिणा का यह भी नियम था कि गुरु जी चाहे जो चीज मांग के लेवे वही देनी होती है। अपनी इच्छा से तो जनक जी के पास क्या कमी थी और सुखदेव जी के पास क्या था, एक तुम भी कहलाओ जो देते, इसलिए अपनी इच्छा से दी हुई चीज भी गुरु दक्षिणा पूरी नहीं होती। तो उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे कोई आप आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा करूं, गुरु दक्षिणा के रूप में मैं, मुझे सौभाग्य बख्शिए कि मैं आपके लायक कोई चीज से जो आप आदेश दें वही मैं करूं, वही चीज उपस्थित करूं, लाऊं, कुछ भी करूं। तो जनक जी तो जानते थे क्या करवाना है, तो बोले कि ऐसा करो, इस दुनिया में जो सबसे गंदी वस्तु हो, जो बिल्कुल फालतू हो, वही लाके हमको दे दो, हमें तो कुछ चाहिए नहीं। चलो तुम देना ही चाहते हो तो उपयोगी चीज क्या दोगे, भोजन पानी प्रसाद हमारी कोई कमी नहीं है, और
विद्या बुद्धि में ही तुमसे बड़े हुए हैं, और महल में रहते हैं, तुम झोंपड़ी में रहते हो, कपड़े तुम्हारे लंगोट पहने हुए, हमारे तो दरी के कपड़े पहने हुए, कोई चीज़ की जरूरत नहीं है भैया, जो सबसे फालतू चीज़ है वही ला के दे दो, हमें उसी में खुश हैं। अब जो आदेश, जो आदेश गुरु का आदेश, अब सुखदेव जी निकले, सोचा कौन सी चीज़ फालतू है, कौन सी चीज़ फालतू है, कई घास फूस जैसी कई चीज़ें जिनको वो नहीं जानते, तो उसमें हाथ डाला, तो गुरु जी ने ऐसी दया कर दी थी कि ये बेचारा भटकेगा तो ऐसे तो पता नहीं कहाँ ढूंढेगा, और कब इसको होश आएगा, और कब ये लाएगा, बहुत समय चला जाएगा, तो ऐसी उस समय दया करके ऐसी व्यवस्था कर दी गुरु जी ने, जिस चीज़ में हाथ डालते थे कुदरत जो है ना अपने आप बता देती थी, भैया ये चीज़ फालतू नहीं है, इसमें इस चीज़ का ये गुण है, ये फलां जगह काम आती है। तो कई तरह की वनस्पतियों में हाथ डाला तो प्रकृति ने बताया, सुखदेव जी ये कहाँ फालतू है, ये तो बहुत उपयोगी दवा है, क्योंकि ज्यादातर नहीं तमाम वनस्पतियां दवा के रूप में काम ली जा सकती है, ऐसा आयुर्वेद मानता है। तो अच्छा ये भी नहीं है, तो फिर तो जगत के जितने जीव जंतु हैं वो भी फालतू नहीं है, वो भी काम आते हैं, पशु भी काम आते हैं, मरे हुए पशु की हड्डी भी फालतू नहीं है, मरे हुए पशु की खाल भी फालतू नहीं है, तब किस चीज में हाथ डालें। मरे हुए पशु की लाश को उठाने की कोशिश करी तो कुदरत ने कहा, अरे अरे सुखदेव जी ये क्या करते हो, इससे तो बहुत बढ़िया जूते बनते हैं, तुम लोगों के तो चमड़े के कपड़े बना बना करके तुम आजकल पहनने लग गए हो, ये फालतू कहाँ है। हाँ ये, और साधु संत भी जो है ना जानवरों की छाल का आसन बागम्बर बिछा करके बैठते थे, शिव जी बागम्बर लपेटते हैं, फालतू तो कुछ भी नहीं है। फिर सोचा क्या फालतू है, क्या फालतू है, आखिर में गोबर में हाथ डाला, बोला इससे ज्यादा तो फालतू कोई क्या होगी, ये लेट्रीन है जानवर की। प्रकृति ने बोला, सुखदेव जी गलती कर रहे हो, ये तो जानवर की तो ये गोबर तो है तो लेट्रीन, लेकिन ये तो बहुत उपयोगी है, ये तो कई तरह के कीड़े मकोड़ों का भोजन है, देख लो जानवर जहाँ पोटा करता है सुबह जो है ना, कई तरह के कीड़े तो उसको खाते हुए नजर आते हैं, उसके बाद में ये बहुत उपयोगी खाद है, तुम्हारे खेतों की उर्वरकता को बढ़ाता है, इससे तो फसल होती है, उससे दुनिया का पेट भरता है, तुम इसको फालतू मानते हो। तो सुखदेव ने कहा नहीं, ये बात से फालतू तो नहीं, फिर पानी तो फालतू है ही नहीं, धूप फालतू है ही नहीं, क्या फालतू है, मिट्टी में हाथ डाला तो मिट्टी कैसे फालतू होगी, मिट्टी तो पृथ्वी है, अपना आधार है, ये तो अपनी माँ है पृथ्वी तो, और इसी से सब अनाज उत्पन्न होता है, कुछ भी फालतू नहीं है। तब उन्होंने इंसान के बिस्टे में हाथ डाला, और तो क्या करें, सबसे गंदी चीज यही होगी। तो फिर कुदरत ने जवाब दिया कि सुखदेव जी ये भी गलती कर रहे हो, ये भी बहुत अच्छी खाद बनता है, ये भी कईयों का भोजन है। फिर बोला, तेरे अभी भी समझ में नहीं आया सुखदेव कि फालतू वस्तु क्या है, बोला नहीं आया ना, क्या करें। तो प्रकृति ने समझाया, नेचर ने समझाया, अरे सुखदेव सबसे फालतू सबसे गंदी चीज तुम्हारा ये अपना शरीर या अपनी काया है, देखते नहीं, ये शाम को जिस विष्ठा में तुमने अभी हाथ डाला है, मनुष्य की लेटरिन, ये कल शाम को अन्न था, अन्न को वेदों में ब्रह्म कहा गया है, यज्ञ में रखा जाता है, पूजनीय चीज है, देवताओं की पूजा अन्न से की जाती है, यज्ञ में अन्न रखा जाता है, होम किया जाता है, यज्ञ की वेदी पर भी जो रखते हैं मूंग रखते हैं, अन्न जैसी पवित्र वस्तु जिसे ब्रह्म का दर्जा दिया गया, वो एक रात मनुष्य का संग किया, इस अन्न ने यानी मनुष्य ने खाया तो मनुष्य के पेट में रहा, एक रात मनुष्य का साथ किया, तो सुबह क्या दशा हो गई देख लो। तो सबसे गंदे तो तुम खुद हो, और तुम कहते हो कि दूसरी चीजों में हाथ डालते हो, इतना समय खराब किया, तुम अपने आप को ज्ञानी भी समझते थे, इतना ज्ञान नहीं है, जाओ अपने आप को गुरुदेव को अर्पण कर दो, इससे गंदी वस्तु कोई है ही नहीं, इससे फालतू वस्तु भी कोई नहीं है। तब सुखदेव जी समझ आया, अरे मैं ही फालतू हूं, यदि मैं मालिक का नाम नहीं लेता, गुरुदेव की प्रसन्नता का कोई काम नहीं कर पाता, तो मेरे से ज्यादा गंदा और फालतू और क्या होगा। तो जाकर के वहां हाथ जोड़ के खड़े हो गए, जनक जी ने पूछा, सुखदेव सबसे फालतू गंदी वस्तु ले आए, बोला हुजूर ले आया, बोला लाओ देव, बोला हुजूर मैं ही सबसे गंदा और फालतू हूं, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मैं आपकी शरण हूं, मुझे कोई ठिकाना नहीं है, और आप दया करके फालतू चीज लेना चाहते हैं, ये बहुत आपकी अपरंपार कृपा है कि आप मुझे ग्रहण करना चाहते हैं, स्वीकार करना चाहते हैं, मैं आपकी शरण हूँ। तब बोला ठीक बात बोली सुखदेव, अब तुम समझ गए, ये मनुष्य शरीर आज से तुम्हारा नहीं हमारा हुआ, अब तुम अपने मन के कहने में चल गए, किसी भी मन ने कहा वैसे कर लिया तो फिर हमें देना गलत हो जाएगा, दी हुई चीज वापस लेना भी तो अपराध है, तुमने समर्पण कर दिया, अब आज से अपने आप को गुरुमुखी मानो,
यानी जैसा हम चाहते हैं वैसा करो, अपना जीवन वैसा बना लो जिसमें हमारी प्रसन्नता हो, तो तुम्हें फिर भवसागर में कोई काल माया कर्म का कोई दो कोई विघ्न नहीं है। तो ये सबसे गंभीर वस्तु वस्तु ये शरीर है, यही इसके अंदर भी दुख का मूल छिपा है, इतने रोग शोक, आखिर एक दिन मरना। तो संतों ने कहा कि बाकी चीजों को छोड़ो, ये शरीर से नाता सबसे गहरा है। ऐसा संगी कोई नहीं जैसे जैसे जी और दे। नहीं, अगली लाइन कोई और है, हो जाओगे खे, यानी कि ऐसा संगी कोई नहीं है जैसा ये जीव और शरीर। लेकिन यह भी साथ नहीं निभाएगा, अंत में इसकी यहीं पे राख होकर के उड़ेगी। इसलिए संतों ने कहा कि यहाँ के सब सुखों में दुख का मूल मौजूद है, या से बचो गहो गुरु शरणा। इनसे बच करके क्या करना है, जनक जी ने दया करके सुखदेव जी को शरण में आने के लिए इस तरह से प्रेरणा दी। हमें भी संत प्रेरणा देते हैं, गुरु की शरण ग्रहण कर लो। शरण ग्रहण करने का मतलब ऐसा नहीं है कि जाकर के उनके सामने गर्दन नीचे झुका के 90 डिग्री के कोण पे झुक करके कहें कि मैं आपकी शरण हूँ, बाप जी मुझे स्वीकार कर लीजिए, अब हो गए शरणागत पूरे। नहीं, पूरे शरणागत का मतलब जनक जी ने कहा कि आज के बाद तुम अपने मन के कहने में नहीं चल सकते। हमारे हो गए तो हम कहें जैसे करो, हम उल्टा कहें तो उल्टा करो, सुलटा कहें सुलटा करो, हमारा अधिकार तुम्हारा अपना अधिकार कहाँ रहा, तभी तो सुधरेगा ना मन, नहीं तो सुधरेगा। जैसे मन के कहने से ही कोई काम, संत मत की ये मर्यादा है, परमार्थ का मूल है कि मन के कहने से परमार्थ ही काम, दुनिया के काम तो जितने किए जाएंगे सब वो है ही धोखा, कोरा धोखा ही है, लेकिन मन के कहने से परमार्थ ही काम भी नहीं किए जा सकते। गुरु की रजा के अनुसार यदि गुरुदेव ने कह दिया ये सेवा मत करो, तो वो सेवा नहीं करना ही गुरुदेव को प्रसन्न करने का कारण बनेगा। जबरदस्ती करेंगे तो कैसे वो गुरुदेव प्रसन्न होंगे, गुरुदेव जी ने कह दिया ये काम मत करो, अपन कहते हैं हम तो करेंगे। हम कहते हैं गुरुदेव जी की शोभा यात्रा निकालने के लिए हमने व्यवस्था करी हुई है, बाप जी पूनम के दिन आपकी बहुत बड़ी सवारी निकालनी है, दया करो मंजूर करो, ये तो निकालनी पड़ेगी। गुरुदेव कहते हैं रहने दो, हम जैसे सत्संगों ने जिद किया, नहीं, ये तो जरूरी है। तो वो सेवा थोड़ी थी, वो तो सेवा नहीं हुई, वो तो मन के कहने से किया हमने, इसलिए तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। ऐसी गलतियां मैंने और बहुत से सत्संगों ने और अपन सब करते ही जाते हैं। या से बचो गहो गुरु शरणा, इस तरह की शरणागति लें कि अपना आपा उनके चरणों में पूर्ण समर्पण कर दें, फिर कुछ करना बाकी भी नहीं बचता। फिर बाकी का सब काम तो उनके हाथ में, अपना हाथ दे दिया तो वो तो भवसागर से निकाल ही लेंगे। झूठी काया झूठी, यह सब खेल रेन का सपना मैं तुमको अब दिया जगाया। संतों ने फरमाया, महापुरुषों ने फरमाया, दयालु राधा स्वामी साहब जी फरमा रहे हैं कि यह सब जितना भी खेल दिखाई देता है माया का, यह सब रात का सपना जैसा है। आज हमारा यह मकान है, आज हमारा यह घर है, इस कुटुंब में हम जन्म लिए हैं, ये हमारे जीवन साथी हैं, ये हमारे परिवार के लोग हैं, संतान है, और कुछ ही दिनों बाद में ऐसा हो जाएगा कि वापस किसी भी तरीके से इनसे नहीं मिल सकते। कितनी अपने तड़प तड़प के मर जाएं, कहीं चले गए हम किसी इस झटके के अंदर, कहीं जो काल का झटका लगने वाला है और उस झटके के अंदर कहीं दूर जाके गिरेंगे, सभी गिरते हैं, अपन भी गिरेंगे, और उसके बाद में कितनी कोशिश कर लें, पता लगाने की कोशिश करें तो भी पता नहीं लगता। एक सत्संगी बहन ने 4-6 महीने पहले एक दिन फ़ोन पर मेरे को कहा कि वो भैया थे वो तो रहे नहीं, तो उन्होंने कहा कि एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ। मैंने कहा पूछो बहन। बोला कि वो जो आपके भाई थे वो इस समय कहाँ है, मुझे पता चल सकता है क्या एक बार। मैंने कहा बहन जो नहीं हो सकता है वो काम में दिमाग लगाना बंद करो, सद्गुरु दयाल करो, मन लगे तो ही करो, नहीं लगे तो ही करो, उसमें कोई सार नहीं है, पता लगाया ही नहीं जा सकता, और लगा लें तो उससे फायदा क्या। स्वयं जनक जी ने, जिनके भी चर्चा हो रही थी, उन्होंने अपने गुरुदेव को निवेदन किया कि गुरुदेव मैं पिछले जन्म में क्या था ये तो बता दीजिए, आप तो समर्थ हैं, त्रिकालज्ञ हैं, सब जानते हैं। गुरुदेव ने कहा अष्टावक्र जी याज्ञवल्क्य जी गुरु थे, याज्ञवल्क्य जी के गुरु अष्टावक्र थे, या अष्टावक्र जी जनक जी के गुरु थे, शायद ऐसा ही है। दोनों दोनों हैं तो गुरु चेला, उनके शिष्य जनक जी थे, ये परंपरा तो वही है। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव बता दीजिए। गुरुदेव ने कहा कि जनक इसमें क्या रखा है, ऐसी प्रार्थना क्यों करता है, इससे अच्छा तो मैंने तो रुका, वो सुमरण तो करता ही नहीं है,
और ये कहता है कि मेरे को बता दीजिए पिछले जन्म में मैं क्या था। बोला बता दीजिए ना, आप तो बता तो सकते हैं। बोला हाँ हम बता सकते हैं, फायदा नहीं है। बोला तो ही बता दीजिए। ज़्यादा प्रार्थना देखी, गुरुदेव की मौज हो गई, गुरुदेव ने अंदर में अनुभव करा दिया। तो क्या पता चला कि जो रानी सुनैना है जनक जी की घरवाली, वो तो पिछले जन्म में माँ थी। उनको बड़ा अफसोस हुआ, ये तो हमारी माँ है, इससे तो रिश्ता अलग तरह का था। तो बोले गुरुदेव ऐसा था क्या? बोले तो जब तूने कहा तो बता दिया था, आज भी तो बताया है। तो बोला कि ऐसा होता है? बोला हाँ, माया की जगत में ऐसा ही होता है। ये माया बड़ी गंदी है, आप ही पैदा करते हैं, आप ही नागिन खा, ये तो खुद ही पैदा करती है, खुद ही खाती है, इसका भाई माया ही है। सब जगत के रिश्ते सब माया है, इसलिए भाई या से बचो गहो गुरु सरना, सत्संग में तुम बैठो जाए, ये सब खेल रेन का सपना मैं तुमको। अब संत तो कहते हैं हमने तो जगा दिया, संतों ने तो भरपूर जगाया, बाबी साहब ने क्या कम कोशिश करी, माता साहब ने कितनी कोशिश करी, दूसरे सभी संतों ने हम पर कितने उपकार किए। जगाने में उनकी कोई कसर नहीं, हम जगे ही नहीं तब, जगना जरूरी है, नहीं जगे तो उनकी कोई त्रुटि नहीं। झूठी काया झूठी माया, झूठा मन जो रुहाल हुआ, ये शरीर झूठा। फिर फरमा देते हैं संक्षेप में, शरीर झूठा माया झूठी और हमारा मन भी झूठा जो इसी में अटका हुआ है, इसीलिए तो अटका हुआ है, क्योंकि मन की और माया की तासीर एक ही है, वही झूठी और वही झूठा। नकटा आगे नकटी नाचे, नकटा नाच दिखावे, नकटा आगे नकटी गावे, नकटी आगे नकटा गावे, नकटी नकटा भावे। ये माया और मन का स्वरूप है जो दादू साहब ने फरमाया अपने किताब के मन के अंग में, सबसे पहले यही साखी लिखी हुई है। तो ये नकटा नकटी का खेल है, झूठा झूठी का खेल है, मन झूठा माया झूठी। अब इनके झूठ का वर्णन कहाँ तक करें? संतों ने कहा समझ लो, सत्संग में आकर के समझने की जगह है, और तो कहाँ समझोगे, समझे बगैर छोड़ नहीं पाएंगे, समझने से भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। समझने के बाद में सत्संग के वचनों को समझें, समझ करके उनका मनन करें, मनन करने से भी छूटेगी नहीं, दीदी दासी ने उनका पालन करें, उनको अपने जीवन में उतारें, कुछ माया से रिश्ता कम करें, सच में इस खेल को रेन का सपना समझें, यह सब खेल रेन का सपना, ऐसा समझ लें, में सचमुच में समझ लें तो छूट सकते हैं उनकी दया से। यह तो सब झूठी है, तो यह तो झूठ का संगम कर रहे हैं, यह तो सत्संग है नहीं, सत्संग क्या है? फिर आगे फरमाते हैं, सत्संग सच्ची सदगुरु सच्चा नाम सच्चाई क्या कहूंगा, बस सच्चे गुरुदेव उनका संग सच्चा, वो गुरुदेव स्वयं सच्चे, और उन्होंने जो सच्चे नाम का भेद दे दिया उसकी सच्चाई तो वर्णन करने के बाहर है। इतना पवित्र, इतना सच्चा, इतना अविनाशी, ऐसी परम शक्ति, ऐसा हमारा परम हितकारी, प्रेम का भंडार, दया का भंडार, क्षमा का भंडार, चेतनता का भंडार, सत्य का भंडार, आनंद का भंडार, प्रकाश का भंडार, ज्ञान का भंडार, सब कुछ वो सद्गुरु नाम ही है। ऐसी अनमोल दौलत गुरुदेव ने हमें प्राप्त करने का तरीका बता दिया, देना चाहते हैं हमें, हम लेना सच्चे दिल से लेना नहीं चाहते, तो कहते हैं कि फिर झूठ के ग्राहक हैं, सच्चाई के तो ग्राहक नहीं है। बाप जी से मांगते हैं तो दुनिया की चीज़ मांगते हैं, बाप जी से मांगते हैं तो कमाई मांगते हैं, बाप जी से मांगते हैं तो बीमारी से दूर करने की प्रार्थना कर देते हैं, बच्चों के शादी ब्याह नहीं होते हैं तो कोई आवे भेंट रुपया लावे जी, कोई आवे बेटा मांगे यही गुसाई दीजिए जी, कोई करावे ब्याह सगाई हम पर कृपा कीजिए जी, कहे कबीर सुनो भाई साधो इन अंधों का क्या कीजिए जी। कबीर साहब ने कहा, देखो सत्संगी कबीर साहब के अपने से अच्छे थे, अपन तो अब और गौर कलयुग में निकृष्ट श्रेणी के बच्चे हैं, वो अच्छे सत्संगी थे, वो भी संतों की नज़र में कि ये सब अंधे हैं, क्या मांगते हैं हमारे से आकर के। अच्छे भी थे, निर्मल सत्संगी भी थे, मान संतों के मान सत्संगी हुए हैं जो अपने से बहुत बड़े थे, लेकिन ज़्यादातर भीड़ अपने जैसों की होती है और मान तो कोई इक्के दुक्के ही होते हैं, तो उन पे तो बाप जी बहुत खुश हैं, उन पे तो कबीर साहब बहुत खुश हैं, लेकिन हमें भी वैसा बनना है, अंधे नहीं बनना है। तो ये झूठी काया झूठी माया, झूठा ही हमारा मन है जो इसके अंदर रचा पचाया ललचाया हुआ है। इस मन को झूठे को सच्चा करना है, आत्मा तो झूठी नहीं हुई, मन को यहाँ से फेरना है, किधर से? माया से और काया से भी, और जोड़ना किस में है? सच्ची सत्संग, सत्संग सच्ची है, बाप जी सच्चे हैं, अंतर में विराजमान है तीसरे तिल पर,
सच्चाई का केंद्र है, वहां पर बाप जी के जहाँ चरण है वो सच्चाई की धार है, और वो ही सदगुरु शब्द की धार है, उसमें जुड़ना है। वो नाम सच्चाई क्या कहूँगा है, जितने महिमा बाप जी की, जितनी महिमा बाप जी के नाम की, जितनी महिमा बाप जी के सत्संग की, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तीन संत मत के बड़े साधन हैं, सच्ची सत्संग, सच्चे गुरुदेव, सच्चा नाम, तीनों ही भवसागर से तारने में पूर्ण सक्षम है। गुरुदेव दया करें एक क्षण में तार देंगे। सत्संग सच्ची हो और हम उसमें सच्चे दिल से लग जाएं, ठीक तरह से करना सीख जाएं, गुरुदेव दया करें एक क्षण में पार होंगे। और वो मालिक का नाम, वो सच्चाई का मूल, और उससे जुड़ जाएं, उससे हमारा प्रेम हो जाए, उससे हमारी साची प्रीत जुड़ जाए, तो झूठा जगत छूटने में क्या देर लगेगी। आला दर्जे के जितने भक्त हुए उनकी छूटी ना जगत, उनका छूटा, माया छूटी, तो हमारी भी छूट सकती है, यदि हम बसरते हम गुरुदेव के चरणों में, जिसे मालिक का नाम भी कह सकते हैं, गुरुदेव के चरण भी कह सकते हैं, अंतर में तिष्ठे तिल पर वही शब्द की धार के रूप में मौजूद है, उससे हम सच्चे तौर से जुड़े, जगत को पीठ दे करके उधर जाएं। पीठ देना का मतलब जगत कड़वा लगे, जगत का नुकसान हो जाए, तब हमें अगर किसी दिन खुशी हो सकती है कि अच्छा हुआ झंझट कट गया, ऐसा अपने साथ होता तो है नुकसान, लेकिन ऐसी विचार, सुंदर विचार हमारे दिल में कभी आते नहीं, जबकि वो तो मालिक दया करके हमारा फायदा ही कर रहे हैं, हमारे बंधन कम कर रहे हैं। वो जब जगत कड़वा लगेगा, जब जगत से उपरांता होगी, जब झूठ को झूठ समझेंगे, जब इसको रेन का सपना समझेंगे, तब मालिक दया करेंगे, तब ऐसी सद्बुद्धि कभी आएगी। बातें तो अभी भी करते हैं लेकिन अंदर में धसी हुई नहीं है। मान वचन मेरा तू सजनी, जन्म मरण तेरा छुट जाए। अगर इस तरह से सच्चाई से जुड़ जाए, यानी सत्संग इस तरह से करना सीख लें, सत्य का साथ ऐसा करें कि रोम रोम पिव को रटे सोज, रोम रोम गुरु को रटे सो जीव होय निहाल। रोम रोम गुरु, गुरु कहने लग जाए, गुरु यानी सदगुरु, यानी सच्चा, संतों का स्वरूप भी गुरु है, और सच्चे मालिक का सच्चा नाम जो अंदर में शब्द की धार आ रही है वो शब्द गुरु है। इस तरह से रोम रोम में वो बस जाए तो वो तो भवसागर फिर पा रही है। तो संत फरमाते हैं कि अगर इन वचनों को, महापुरुषों के इस सदउपदेश को सुन करके मान लें तो हमारा भी जन्म मरण छूटा हुआ छूट जाएगा, हाथों हाथ ही छूट जाएगा। यही बाप जी के हाथ में अपना हाथ देना है, यही गुरुमुख होना है, यही सत्संग करना है। अलग अलग बातें नहीं है। सत्संग करने से तिर जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। गुरुमुख बनने से तिर जाएंगे, हाँ गुरुमुख बनने से भी तिर जाएंगे, बात अलग नहीं है। बाप जी के हाथ में अपना हाथ देने से तिर जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। बाप जी के हाथ में अपना हाथ देंगे तिर, सच्ची शरणागति लेने से तिर जाएंगे, एक ही तो बात है भाई, ये तो चार अलग अलग बातें हुई नहीं। तो मान वचन मेरा तू सजनी, जन्म मरण तेरा छुट जाए, नब चढ़ चलो शब्द में पेलो, राधा स्वामी कहत सुनाए। सच्चे संत फरमाते हैं अब जगत को छोड़ना है तो जाना किधर, कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना। सूरत तो बाप जी ने फरमाया चेतन धार का नाम है, धार यानी जो बहती है, कहीं ना कहीं जाती है, स्थिर नहीं रह सकती, स्थिर अपने घाट पर रहेगी। सूरत रूप जब प्राप्त कर लेगी, अपने निज रूप में लीन हो जाएगी, वहां जाके स्थिर होगी, तब तक तो स्थिर नहीं होगी, तब तक इसको किसी न किसी तरफ जाना है, बहना है, तो कहाँ जाना है, अंदर में गुरुदेव की तरफ जाना है। नभ चढ़ चलो, अंदर में अंतर्मुखी होकर के, जहाँ बाप जी ने अपना ठिकाना बताया कि यहाँ हम विराजमान हैं, तीसरे तिल पर ध्यान हमारे स्वरूप का करो, सीखो, करने की कोशिश करो, नहीं बनता तो प्रार्थना करो, उसके बाद भी नहीं बनता तो पछतावा करो, रोवो, उनसे मांगो, तो वो तो सब अंदर का, अंदर में मदद करने के लिए तैयार खड़े हैं। तो वहाँ अंदर में गुरुदेव की तरफ जाना है। नभ चढ़ चलो शब्द में पेलो, जितना पिलते हैं बाहर रात और दिन जगत में, जब कमाई का सीजन आता है तब रात को भी काम करते हैं, दिन को भी करते हैं, मजदूरी भी इस तरह से करते हैं, पूरी जी जान लगा करके दुनिया के काम करते हैं। घर में कोई बड़ा फंक्शन हो जाए, शादी ब्याह किसी समय आ जाए, तो कितने कितने दिनों से तैयारी करते हैं, समय नहीं है, सत्संग में आने का समय कहाँ है, शादी पड़ी है थोड़े दिनों में होने वाली है, हाँ भाई पिलते रहो, देखें शादी आगे पार लगाएगी क्या होगा। अपन सब ऐसा करते हैं, मैं भी ऐसा करता हूँ, अपनी गलती है ये। पिलना शब्द में है, और यदि उसमें पिलेंगे तो क्या दुनिया के काम रुक जाएंगे। दुनिया के काम के ऐसे सत्संगी जो पिलता है वो असल सत्संगी अपना है नहीं। अगर कोई इस तरह से पिल जाए शब्द के अभ्यास में, तो उसका क्या दुनिया के काम का नुकसान होगा, उसका क्या नुकसान होगा। बाप जी है ना समर्थ, बाप जी ने कहा कि हमारे हाथ में ये हाथ दे दो तो
आगे की चिंता नहीं, इस जन्म की, इस जीवन की, दुनिया की चिंता भी हमारे ऊपर अब सौंप दिया है। इस जीवन का सब हाथ बार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में, सब सौंपना है, तो पूरा ही सौंपना है, तो पूरा ही काम सिद्ध होता है। नरसिंह जी के हुए, मीराबाई जी के हुए, सूरदास जी के हुए, अंधे थे तो भी जीवन यापन हो गया, क्योंकि रक्षक तो साथ चलते थे हमेशा, चिंता तो भगवान करते थे। अब इस छोटी सी बात के बाद में समाप्त करते हैं कि कैसे भगवान चिंता करेंगे, कि सूरदास जी यमुना जी के किनारे कुटी बना करके रहते थे, शहर से थोड़ा दूर था, जंगल नजदीक था, आगे यमुना जी थी, तो अपने कुटिया से यमुना जी की तरफ जाने की जो पगडंडी थी, रात दिन एक ही पगडंडी पर, एक ही रास्ते पर जब अंधा आदमी चलता है तो धीरे धीरे टोह लेता है कि अब मैं वहां तक आ गया हूँ, फलाने जगह ऐसा पेड़ है, आगे किधर मुड़ना है, अब यमुना जी आ गई है, अब ये मैं जान स्नान करता हूँ, वो घाट आ गया, ऐसा अनुमान बराबर रहता है, वो धीरे धीरे चलते हैं। लेकिन भाई अंधापन तो अंधापन ही है, कभी आंख दृष्टि नहीं है, नजर नहीं है, आंखें नहीं है, उसका नुकसान हो जाता है। एक दिन भगवान की याद में इतने मशगूल थे कि रोजाना जो परिचित रास्ते पर चलते हैं उसको टोल लेने में उधर से ध्यान हट गया, ध्यान लग गया भगवान में, रास्ते पर चले जा रहे हैं और रास्ता छूट गया। छूट गया तो एक गंगा यमुना जी के किनारे अपने घाट पर जाने के बजाय दूसरी तरफ चले गए, जहाँ पे बहुत बड़ा डूह था, और वहां से आगे एकदम नीचे जो है ना खाल पड़ता था। भगवान ने देखा कि सूरदास तो आज ना रोता रोता हमें याद करता हुआ अपनी पगडंडी भूल गया और आ गया इस डूह पर, अब यहाँ से गिरेगा नीचे सीधा, 40 फुट नीचे यमुना जी है। तो भगवान ने सोचा कि ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो हमारे भरोसे है, ये तो हमारे आश्रित बालक है, इसने तो अपना जीवन हमें समर्पण कर दिया, गिर जाए तो इसे गम नहीं, तो इसको कैसे गिरने दे सकते हैं। तो भगवान 8-9 साल का बालक बन करके और तुरंत वहां आए और उस हाथ को पकड़ लिया जिस हाथ में लकड़ी पकड़ी हुई थी सूरदास जी के, बोला बाबा कहाँ जाना है, बोला बेटा देखा कोई बच्चा है मीठा मीठा बोल रहा है और उसके सर पे हाथ फेरा, गोल मटोल सा बच्चा है, कोमल कोमल आवाज है, कोमल कोमल बच्चा दिखता है, बोला बेटा मैं तो यमुना जी में स्नान करने जा रहा हूँ, क्या मैं रोज, अब उनको ख्याल आया कि मेरे रोजाना वाली पगडंडी वाला रास्ता तो नहीं है, बोला बेटा ये यमुना जी की तरफ ही जाता है, ये मुझे लगता है कि मैं रोजाना वाले रास्ता भूल गया, बोला हाँ बाबा आप अपने रोजाना वाला रास्ते को भूल गए, आइए मैं आपको वहाँ पहुँचा देता हूँ, आप थोड़ा आगे निकल आए हैं, या इधर जो है ना, इधर तो रास्ता अच्छा नहीं है, इधर तो रास्ता विकट है, खतरनाक है, आइए मैं आपको ले चलता हूँ। भगवान की डंडी पकड़ करके वापस मोड़े और उधर ले गए जहाँ पे रोजाना जिस घाट पर सूरदास जी पहुँचते थे, तो वहाँ पहुँच गए तो बोला हाँ बेटा अब तो मुझे समझ आ गया, अब मैं ठिकाने आ गया हूँ, तो बोला अच्छा बाबा मैं चलता हूँ। सूरदास जी ने एकदम ख्याल आया, भगवान ये कौन है बच्चा जो जंगल में कहाँ से आया, आज तक मैं इधर से उधर रोज आते होते मुझे बरसों बीत गया, ऐसा बच्चा इस आवाज़ को तो मैं पहचानता नहीं, और ये बच्चा कौन है जो मेरी मदद में अचानक अगर कहाँ जा रहा है, तो बोला बेटा रुको रुको तुम कौन हो ये बताओ। भगवान ने तो अपना हाथ छुड़ा लिया था, अब अंधा आदमी क्या करे, लाचार है, छुड़ा लिया छुड़ा लिया, वो बूढ़े थे, भगवान तो बालक थे, भगवान चंचल थे, छुड़ा लिया हाथ, बोला बाबा बस अब राम राम मैं चलता हूँ, मेरे को बहुत काम है, मेरे गाय चराने जाना है। सूरदास से समझ गए हैं तो मेरे को पाली, अब क्या करें मुझे तो दिखता नहीं, आंखों में फिर पानी आ गया, और वहां सूरदास ने कहा, भगवान ने हाथ छुड़ा दिया ना, बोला बाबा अब आपके घाट आ गए, आप जाइए, मेरे बहुत काम है, माफ करो मैं जाना ही पड़ेगा, मैं चलता हूँ। सूरदास जी ने कहा बाह छुड़ाए जात हो निबल जाने के मोह, हृदय से जब जाओगे मर्द बखानो तो, मैं कमजोर हूँ, बूढ़ा हूँ, अंधा हूँ, आप मेरे से हाथ छुड़ा के भग रहे हैं, जा सकते हैं, मैं तो अंधा हूं, लेकिन मेरे हृदय से कैसे जाओगे, क्योंकि मैं तो आपको भूलता ही नहीं, तो आप मेरे हृदय को छोड़ के कहाँ जाओगे, यदि मेरे हृदय को छोड़ करके कि मेरे दिल से आप निकल जाओ, इतने सूरवीर हो तो जाके दिखाओ, तब आपको जानेंगे कि आप कोई मर्द हो, सूरवीर हो, ऐसे अंधे को रास्ते में ला करके भटका करके छोड़ के जाना सरल है, हृदय से निकलोगे तब जानेंगे। तो ये सूरदास जी का बड़ा प्रसिद्ध दोहा है जो उन्होंने प्रेम में कहा, भगवान का उनका रिश्ता कैसा था, इस तरह की अबोध शरणागति लें तो
तो सब काम सफल होता है। यही संतों ने कहा कि इस तरह से अब उनका दुनिया में कोई काम अटका, मैंने ये निवेदन इसलिए किया कि दुनिया में खतरा हो तो वो मालिक रक्षक, दुनिया में कोई आपत्ति हो तो मालिक दूर करने वाला, विपत्ति हो तो वो बचाने वाला, दुनिया के कोई काम अटक जाए तो वो संवारने वाला, सभी भक्तों के संवारे, सूरदास जी के अकेले के नहीं संवारे और आगे संवारेंगे। इस तरह से उनकी शरणागति लेवें और इस तरह से कोशिश करें कि सत्संग में अब चित्त से चेत करके सत्संग करने का भी हुक्म है। सारी बात हो गई लेकिन ये बात तो शुरू की थी वही रह गई कि सत्संग करनी है तो चित्त से चेत करके, क्योंकि चेत करके करेंगे। जितनी बातें बढ़ने आज विचार की इस एक घंटे में, वो सब सावचेत होंगे तब तो कर पाएंगे, तब भी निभना बहुत मुश्किल है। बाप जी दया करें तो निभे, अपने में सुपात्रता हो तो निभे। अभी तो हम अचेत अवस्था में सत्संग करते हैं तो आगे कोई प्रश्न ही हमारा नहीं उठता सफलता का। तो चित्त से चेत करके कोशिश करें कि सत्संग का जैसा बाप जी का फरमान है, जैसा बाप जी दया करके हमें समझाते हैं, उस हिसाब से, उस तरीके से, जिस तरीके से सत्संग करने से बाप जी प्रसन्न हों। सत्संग इस जगह पे बैठ करके ये करते हैं इतना ही नहीं है। अब सूरदास जी अकेले अपने झोंपड़ी में रहते थे, कुटिया में रहते थे, और वो तो पूरा जीवन ही हर क्षण ही सत्संग का ही था उनका, क्योंकि उनके हृदय से मालिक दूर जा नहीं सकते। पूर्ण सत्य रूप जो परमात्मा है उनके गठ में विराजमान है, उन्होंने चैलेंज दिया कि आप मेरे हृदय से निकल करके दिखाओ देखें, तो वो उनकी सत्संग छूटने वाली नहीं थी। तो इस तरीके से सत्य को अपने हृदय में बसाएं। यानी आखिरी निवेदन यह है कि सत्य के दो स्वरूप हैं, एक बाप जी का स्वरूप, ये सत्य स्वरूप है, बाप जी का नाम वो सतनाम है। इन दोनों को अपने हृदय में नब चढ़ चलो, यानी गुरुदेव के तीसरे तिल पर गुरुदेव के स्वरूप की ध्यान करते हुए उनकी तरफ जाएं, ये नब में चढ़ना है, और शब्द में पेलो यानी उनके नाम में पिल जाएं, किसी भी क्षण उनको भूलें नहीं, न बाप जी के स्वरूप को भूलें न उनके नाम को भूलें, इसी में पिल रहें, इसी में लगे रहें, पूरा जीवन इसमें खपा दें। ये हमारा फर्ज है, ये सत्संग करने का तरीका है। बाप जी दया करें, हमें भी ऐसी सत्संग बख्शें। इसी प्रार्थना के साथ विराम। बड़ा हो ये